शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। गणेश चतुर्थी पर हमने गणेश जी की स्थापना की और 10 दिन तक ये विशेष पर्व चलता है। और इन्हीं 10 दिनों में से एक तिथि आती है, अष्टमी तिथि, जो कि कहलाती है दुर्वा अष्टमी। और दुर्वा के इस दिन हमें उपाय करने चाहिए, क्योंकि देखो, दुर्वा जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होती है गणेश जी को। और इसी गणेश जी की प्रिय दुर्वा से हमें उपाय करने चाहिए, ताकि हमारे घर के संकट दूर हों और हमें रिद्धि सिद्धि, ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, और जो हम उपाय बताएंगे वो भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि भगवान गणेश के आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। आप कहते रहते हो पढ़ लो, लेकिन बच्चे हैं कि वो सुनते नहीं हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो जिन किसी के भी बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उन महिलाओं को विशेषकर अपने बच्चों को सुधारने के लिए, उनका पढ़ाई में मन लगे, उनके उनको ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति हो, इसके लिए उनको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 दुर्वा घास लेनी है, ताज़ा दुर्वा घास ले लेनी है, ठीक है। और ये 7 दुर्वा घास का आपको बंडल बना लेना है, कच्चे सूत से इन्हें इसे पीछे की तरफ से आपको बांध देना है और एक बंडल तैयार कर लेना है, ठीक है। और फिर इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल, और इसी के साथ आपको लेना है एक खाली कटोरी, मतलब एक पात्र और ले लें, कटोरी ले लें, स्टील की ले लें, चाहे तांबे की ले लें, किसी की भी ले लें, एक खाली पात्र आपको लेना है, ठीक है। ये सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखो, जैसे ही आप मंदिर आ जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो आप 7 दुर्वा घास लेके आए हैं ना, आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करते हुए आपको ये 7 दुर्वा घास को आपको भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ, जो स्थान गणेश जी का होता है, वहाँ पर आपको ये 7 दुर्वा घास को अर्पित कर देना है, ठीक है। तो जो आप खाली कटोरी अब लेके आए हैं, उस खाली कटोरी को आपको जलाधारी के नीचे लगा देना है, ठीक है, नीचे रख दें। और फिर जो आप एक लोटा जल लेके आए हैं, तो उसमें से आधा लोटा जल आपको दुर्वा के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान था ना जहाँ आपने दुर्वा अर्पित की है, तो दुर्वा के ऊपर आपको ये आधा लोटा जल श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है, ठीक है, आधा लोटा जल। और फिर बाकी का जो शेष जल होगा वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको बाकी का शेष जल अर्पित कर देना है। तो अब जल जब बह कर नीचे आएगा तो वो कटोरी में आएगा, ठीक है, जो जल कटोरी में आएगा वो जल आपको ले लेना है, उस कटोरी को मतलब नीचे से उठा लेना है और आपको ले लेना है। और जो आपने दुर्वा घास को अर्पित किया था उसे भी आपको उठा लेना है, और जो कटोरी में जो जल था ना उसी के अंदर आपको दुर्वा को डाल देना है। अब ये जल को लेकर के और दुर्वा को लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। तो अब आपको क्या करना है, तो जो दुर्वा है और जल है, इस दुर्वा को आपको जल के पात्र में डुबोना है, और फिर उसके बाद आपको जिस स्थान पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपको इस दुर्वा से छिड़काव करना है, इस जल से छिड़काव करना है आपको, और अपने बच्चों के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जब आप ये करोगे तब आपको आपकी जो भी कामना है, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, आपके बच्चे सुधर जाएं, तो आपको वो बोल देना है। और इस प्रकार से आप इस सुंदर से उपाय को आपको करना है इस दुर्वा अष्टमी के दिन,
बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा मात्र इस उपाय को करने से। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।